आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की राजनीति में आए बड़े मोड़ की। कांग्रेस, जिसने उपचुनाव में बड़ी तैयारी दिखा रही थी, अचानक खुद को इस चुनावी मुकाबले से पीछे खींच लिया है। लेकिन ये फैसला कांग्रेस ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उजागर किया। इस फैसले के पीछे क्या वजह रही और इसका यूपी की राजनीति पर क्या असर होगा, आइए इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी कर रही थी। पार्टी कैडर एक्टिव हो चुका था और अंदरखाने बड़े दावे किए जा रहे थे। कांग्रेस की ओर से संकेत दिए जा रहे थे कि वह कुछ सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करेगी। लेकिन उपचुनाव की घोषणा से पहले ही अखिलेश यादव ने यह खुलासा कर दिया कि कांग्रेस अब इन उपचुनावों में हिस्सा नहीं लेगी। यह सब तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गठबंधन के तहत सिर्फ 2 सीटों का ऑफर दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने इस पर 5 सीटों की मांग की, लेकिन अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए। लगातार चल रही बातचीत के बाद कांग्रेस ने चुनाव से हटने का निर्णय लिया। इस बातचीत के बीच अखिलेश ने राहुल गांधी से भी चर्चा की ताकि गठबंधन को लेकर कुछ हल निकल सके, लेकिन बात नहीं बनी। कांग्रेस ने 3 सीटों पर भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिससे साफ है कि गठबंधन का यह मुद्दा सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि विधानसभा चुनावों में भी असर डालेगा। इस घटनाक्रम ने यूपी की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। कांग्रेस का उपचुनाव से हटना प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में कई सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन कमजोर हो रहा है या यह निर्णय कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों में और भी साफ हो सकते हैं। कांग्रेस का यह कदम न सिर्फ यूपी बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी गठबंधन की स्थिति को प्रभावित कर सकता है, जहां पार्टी को गठबंधन को मजबूत करने में पहले ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की इस बातचीत के बाद यह साफ हो गया है कि यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच का गठबंधन अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। अखिलेश ने इस बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि राहुल गांधी को इस फैसले की जानकारी दी गई थी। हालांकि कांग्रेस के चुनाव से हटने के बावजूद यह गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए बरकरार रह सकता है। तो क्या कांग्रेस का यह कदम सही है? क्या सपा कांग्रेस गठबंधन आगे भी बरकरार रहेगा या यह सिर्फ लोकसभा तक ही सीमित रहेगा? ये सभी सवाल राजनीतिक हलचल को और बढ़ा रहे हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताएं।